एवरीवन ए टू जेड गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक करें। ओके, टुडे टॉपिक है दिस एंड दैट। आज मैं आपको दिस एंड दैट पढ़ाऊंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, दिस का मीनिंग होता है ये है। ओके, जो चीज हमारे पास होती है, नियर होती है, उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं। ओके, यस। एंड दैट, दैट होता है वह, जो चीज हमारे से फार होती है, हमसे दूर होती है, तो हम उसके लिए दैट का यूज है। थिंग्स में दूर होता है एंड सिंगुलर के लिए यूज होता है, एक वचन के लिए। ओके, दिस एंड दैट दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, बट फर्क यह है कि दिस जो होता है वो दूर होता है, दिस जो होता है वो हमारे से पास होता है, और दैट जो होता है फार मीनिंग हमसे दूर होता है। जैसे कि एज एग्जाम्पल, माई हैंड, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पास है। ओके, तो इसके लिए हम दिस का यूज करेंगे। एंड ये मुझसे दूर चला गया, तो हम इसके लिए दैट का यूज करेंगे। ओके, दिस एंड दैट में ये डिफरेंट होती है। ओके, यस। चलिए मैं सम एग्जांपल्स देती हूँ आपको, एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि दिस एंड दैट का हम कैसे यूज करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ दिस एंड दैट का। ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। अब जैसे देखिए आप, गर्ल। ओके, ये गर्ल है। अब ये जो गर्ल है ये मेरे पास खड़ी है, मेरे हैंड्स के पास है, तो मैं किसका यूज करूंगी? अब मैंने आपको बताया है, अभी रिपीट अगेन करती हूँ। दिस, दिस का मतलब जो हमारे पास होते हैं, नियर होते हैं, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? यस, टेल मी। यस, गुड। दिस, दिस का यूज करेंगे। जो चीज हमारे पास होती है हम उसके लिए दिस का यूज करेंगे। ओके, यस, दिस इज अ गर्ल, क्योंकि ये तो गर्ल तो हमारे पास खड़ी है, तो हम दिस का यूज करेंगे। ओके, यस। अब देखिए आप, अभी जो हमारा हैंड है वो दूर चला गया, मेरा जो हैंड है, अब बॉय मेरे हैंड से बहुत दूर है, देखिए। ओके, तो ये जब दूर होता है, दूर के लिए हम दैट का यूज करते हैं, और वो भी अकेला, एक बॉय है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। ओके, तो हमारे से दूर है, तो हम उसके लिए किसका यूज करेंगे? दैट। यस, गुड, दैट, यस, दैट, दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है। क्या होगा? वह एक लड़का है। ओके, यस। तो अब देखिए आप, ये पिक्चर पहचानिए किसकी है? यस, टेल मी, मुझे बताइए आप, ये पिक्चर किसकी है? कार। यस, गुड, वेरी गुड। यह क्या है? यस, ये कार मेरे हाथ में है, इसके पास है, देखो मेरे पास ही है कार, तो मैं किसके लिए यूज करूंगी? कार के लिए दिस का यूज करूंगी। जो चीज हमारे पास होती है और एक होती है, सिंगुलर होती है, तो हम उसके लिए दिस का यूज करते हैं। ओके, दिस इज अ कार, यह एक कार है। ओके, यस। अब आप देखिए सेकेंड, सेकेंड पिक्चर। यस, सेकेंड पिक्चर, व्हाट इज दिस, ये क्या है? यस, गुड, बस। ये किसकी पिक्चर है? बस, ये बस है। ओके, अब देखिए बस, बस देखिए कितनी दूर है मेरे से, मेरे हैंड से कितनी दूर है? बहुत दूर है हाथ से, तो बस है ना, मैंने हैंड्स भी बनाए हैं आपको, देखो कितनी दूर है हैंड से बस। तो जो चीज हमसे दूर होती है और एक होती है, हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। गुड, दैट, यस, दैट इज अ बस, ये वह एक बस है, वह एक बस है। ओके, ओके, अब मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, बाय बाय।